एक समय की बात है। एक घने जंगल में गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी पानी पीने के लिए इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुंची। अरे वाह, आखिरकार मुझे पानी मिल ही गया। अब मैं खूब पानी पीऊंगी और अपना पेट भरूंगी और मेरी साथी चींटियों को भी इस नदी के बारे में बताऊंगी। चींटियां सब बोलकर आगे बढ़ी। सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरी। बचाओ, बचाओ, अरे कोई यहाँ है, मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब रही हूँ, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, बचाओ। चींटी चिल्लाने लगी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था, जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी की आवाज सुन ली। कबूतर को मामला समझ आया। कबूतर को उस पर तरस आ गया और उसने चींटी को बचाने का आइडिया सोचा। अरे क्या करूं, क्या करूं, जिससे उस चींटी की जान बच जाए, मुझे कुछ करना होगा। और ऐसा सोचकर कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। कबूतर बोला, चींटी बहना, इस पत्ते पर तुम चढ़ जाओ, जल्दी से चलो, जल्दी से, पानी का बहाव तेज हो रहा है। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे आ गया। चींटी ने पत्ते से छलांग लगाई और नीचे उतर आई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर से बोली, आपका बहुत धन्यवाद भैया, अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होती, आज से हम दोनों दोस्त। और ऐसा कहकर चींटी वहाँ से चली गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी के किनारे पहुँचा और उस कबूतर के घोंसले के नजदीक ही उसने जाल लगा दिया और उसमें दाना डाल दिया। वह थोड़ी दूर जाकर छुप गया और उम्मीद करने लगा कि वह कबूतर को पकड़ लेगा। कबूतर ने जैसे ही जमीन पर दाना देखा, वह उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया। वह चींटी पास में ही थी और उसने कबूतर को जाल में फंसा हुआ देख लिया। कबूतर चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, मुझे इस जाल से कोई बचाओ। लेकिन कबूतर उस जाल में से निकलने में असमर्थ था। शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ा और चलने लगा। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने की सोची और उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। शिकारी जोर से चिल्लाया, अरे मर गया रे, किसने इतने जोर से काटा, अरे मर गया रे। तेज दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ दिया और अपने पैर को देखने लगा। तभी कबूतर को जाल से निकलने का मौका मिल गया और वह तेजी से जाल से निकलकर उड़ गया। इस तरह से चींटी ने अपने दोस्त कबूतर की जान बचाई। तो क्या समझे इस कहानी से? कि कर भला तो हो भला। हम जब भी दूसरों का भला करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। बहुत पुराने दिनों की बात है, एक घने जंगल में दो पेड़ आसपास खड़े थे। एक था आम का पेड़ और एक था बादाम का पेड़। आम का पेड़ स्वभाव से हंसमुख और विनम्र था। वह चिड़ियों को अपनी शाखाओं पर बैठने देता, घोंसला बनाने देता और ताजे रसीले आम खाने को देता। वह चलते मुसाफिर को शीतल छाया देता और आंधी आती तो डट कर खड़ा रहता। परंतु बादाम का पेड़ बिल्कुल भी उदार नहीं था। वह हमेशा अपनी शाखाओं का ख्याल रखता था। वह बहुत अधिक अभिमानी था कि वह ज्यादा ऊंचा है और ज्यादा हरा भरा भी। उसने कभी भी किसी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। जो कोई भी उस पर बैठने की कोशिश करता, उसे वह उठा देता। एक दिन कुछ पक्षी बादाम के पेड़ के पास आए। बादाम का पेड़ बोला, ए, दफा हो जाओ,
वहाँ उस आम के पेड़ के पास जाओ। तुम सब मेरे टहनियों पर बैठकर मुझे खराब कर रहे हो। तभी आम का पेड़ बोला, वो पक्षी केवल घोंसला बनाना चाहते हैं। वो पक्षी बहुत ही सुंदर है और बहुत सुरीले गीत गाते हैं। पता है, सब उबाऊ गीत बेसुरी आवाज में। बादाम का पेड़ आगे बोला, अब सुनो, मैं किसी को अपने पत्तों से पास आने नहीं दे रहा। वो मेरी सुंदर टहनियों को बिगाड़ देंगे। तुम उन्हें अपने ऊपर बैठने दो। वैसे भी मैं छोटे वृक्ष के मुंह नहीं लगता। दिन गुजरते गए और आम के पेड़ के बीच और बादाम के पेड़ के बीच कुछ नहीं बना रहा। आम का पेड़ सभी पक्षी से खुशी खुशी रहता तो बादाम का पेड़ किसी से बात भी न करता। एक दिन मधुमक्खी का झुंड उस पेड़ के पास आया। रानी मधुमक्खी ने बादाम के पेड़ को देखा और उसे वह छत्ता बनाने के लिए पसंद आया। वह बोली, अरे वाह, यह पेड़ तो मजबूत और सुंदर है। हमारे छत्ते बनाने के लिए सही रहेगा। अच्छा, तुम्हारे बाप का राज है कि यहाँ छत्ता बनाओगी। मुझे मेरी टहनियों पर तुम्हारी वो चिपचिपाहट नहीं चाहिए और तुम सारा दिन भनभनाती रहोगी। जाओ यहाँ से। यह सुनकर रानी मधुमक्खी नाराज हो गई। पर तभी आम का पेड़ बोला, देखो मेरे दोस्त, वो मधुमक्खियाँ हैं और वे हमारी प्रकृति का अहम हिस्सा है। उन्हें हमेशा वृक्ष की जरूरत होती है। यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो प्रकृति का संतुलन कैसे रहेगा। तुम मुझे भाषण मत दो। अगर तुम्हें प्रकृति का इतना ही परवाह है तो तुम उन्हें छत्ता बनाने दे दो और मुझे ज्ञान देना बंद करो, समझे। बादाम का पेड़ गुस्से से बोला। यह बात सुनकर आम के पेड़ को बहुत दुख हुआ, पर उसने कुछ न कहा। उसने मधुमक्खियों को अपने पास बुलाया और उसकी टहनियों पर छत्ता बनाने को कहा। इस पर रानी मधुमक्खी बोली, तुम कितने दयावान हो आम, हमें तुम्हारी टहनियों पर छत्ता बनाना पसंद आएगा। फिर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता आम के पेड़ पर बनाया और वहाँ रहने लगी। आम के पेड़ को कोई फर्क न पड़ा उनके छत्ता बनाने से या शहद के चिपचिपाहट से। दूसरी ओर बादाम के पेड़ ने उसके पास कोई भी आता उसे भगाने लगा, उन पर डांटने लगा। बेचारे पक्षी उसके पास जाने से भी डरने लगे। कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा जंगल में आया। उसे घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। उसने आम के वृक्ष को देखा और उसे काटने का फैसला किया, पर अचानक उसकी नजर पेड़ के ऊपर मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। बाप रे, इस पेड़ पर तो मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खियाँ मुझे डंक मारेगी अगर मैंने इस पेड़ को काटा तो। नहीं नहीं, मुझे कोई दूसरा पेड़ खोजना पड़ेगा, लकड़हारा खुद से बोला। फिर उसकी नजर पास ही खड़े बादाम के पेड़ पर पड़ी। उसे वह बहुत पसंद आया। अरे, ये पेड़ तो आम के पेड़ से भी ऊंचा और मजबूत है। इसकी लकड़ियों से मेरा घर बहुत मजबूत और टिकाऊ बनेगा। चलो, इस पेड़ को ही काटता हूँ। और इस तरह लकड़हारा बादाम के पेड़ को काटने लगा। बादाम का पेड़ रोने लगा। अरे अरे भाई, मुझे क्यों काट रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे बख्श दो। मेरी हरी भरी टहनियों को मत काटो। यह कहकर बादाम का पेड़ रोने लगा। आम का पेड़ सब देख रहा था। उसने मधुमक्खियों को पास बुलाया। सुनो मधुमक्खियों, बादाम का पेड़ खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस पर रानी मधुमक्खी बोली, पर हम उसकी मदद क्यों करें? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि वह किस तरह का पेड़ है। उसने हमें छत्ता बनाने से मना किया था, भला हम उसकी मदद अब क्यों करें? उसी वजह से जैसे मैंने उसे तुम्हारी मदद के लिए कहा था। पर तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे और हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। यदि उसने खुद पर मधुमक्खियों का छत्ता बनाने देता तो शायद आज वह बच जाता। उसे वही सजा मिल रही है जिसकी वह काबिल है, मधुमक्खी बोली। ऐसी बात नहीं है रानी मधुमक्खी, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है इसका मतलब तुम्हें भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये जंगल हम सबका है, हम उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते जबकि उसे हमारी मदद की जरूरत है, आम का पेड़ बोला। तुम सही कह रहे हो दोस्त, हमें बादाम के पेड़ की मदद करनी होगी, रानी मधुमक्खी बोली। और फिर क्या था, रानी मधुमक्खी ने सब मधुमक्खियों को बुलाया और सारी मधुमक्खियाँ छत्ते से बाहर आ गईं।
और लकड़हारे की तरफ उड़ चली। वह उसके कानों के पास और आंखों के पास गुनगुनाने लगी। अरे अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। मुझे यहाँ से भागना होगा, ये मधुमक्खियाँ मुझे डंक मार रही है, भागो। और लकड़हारा वहाँ से भाग गया। लकड़हारे के जाने के बाद बादाम का पेड़ अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मधुमक्खियों, मेरे इस तरह की व्यवहार के बावजूद तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो। हमारा धन्यवाद न करो बादाम, उस आम के पेड़ को शुक्रिया कहो। तुम उससे कभी सही से बात नहीं करते, पर उसने हमें तुम्हारी मदद करने को कहा, उसको शुक्रिया कहो। रानी मधुमक्खी बोली, आम भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, मैंने अपनी गलती जान ली है। हम सभी में अच्छे गुण हैं, मैं कभी घमंड नहीं करूँगा और किसी की बेइज्जती भी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। बादाम का पेड़ रोने लगा। बादाम के पेड़ ने सबक सीख लिया था। उसके बाद वह सब पक्षियों की मदद करता। आम का पेड़ और बादाम का पेड़ अब सच्चे दोस्त बन चुके थे।